बोलती हूँ भैया कब होगा डिफॉल्ट कब होगा मैं तो वेट करते करते थक गई हूँ हैं जो भी वो वही बता रहे हर रिएक्शन में आई एम बोल रहा है ये होगा वो होगा पैसा नहीं मिलेगा डिले हो गया ये हो गया वो गया तो वही से न्यूज आ रही है की कुछ ना कुछ उनका बैंक आने वाली है स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट वीडियो में तो दोस्तों आज फिर हम आ, मेजर पे मिक्स रिएक्शन देखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में मेजर साहब जो आईएमएफ के पास पाकिस्तान हमेशा जाता रहता है उस पर बात करेंगे और जो आईएमएफ के साथ आ, पाकिस्तान की बातचीत हो रही थी कि अगर कुछ और पैसे के पीक मिल जाए तो वो अपने देश के जो आर्थिक स्थिति है अभी उस पर कुछ काम कर सके तो उसी पे शायद आईएमएफ ने

तो मेरे साथ भी साथ। यही पंगा है हैं सब्सक्राइब करिए हम आप और हम मिलके जलील करेंगे उनको समझ रहे ना किनको फोरासी को मिलके करेंगे तो मजा आएगा जुगलबंदी टाइप <laughs> की होगी ना है ना मैं तबला बजा दूंगा आप हारमोनियम बजा देना मामला ठीक हो जाएगा अच्छा यार तुर्की में ना ये जो डेथ टोल है जो लोग जो खत्म हो गए हैं मर गए हैं इट्स टचिंग अराउंड 30000 और मोर हो जाएगा और यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि जब तक पूरा मामला खत्म होगा तो डेथ टोल को डबल पचास साठ हजार टच करेगी भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स के नीचे कई सारे तो ऐसे आ रहे हैं कई सारी ऐसी फोटोज गर्दिश कर रही है जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी वहां पर जबरदस्त काम कर रही है और लगातार हमारी फ्लाइट जा रही है और वहां पे हॉस्पिटल भी बना रखा है इंडियन आर्मी ने और ये सब काम तुर्की में इंडियन आर्मी कर रही है की टीम भी पे है तुर्की के हाल बड़े खराब हैं इस वक्त हाल तो खैर सीरिया के भी बहुत खराब है लेकिन फिर सीरिया का मामला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है वहां पे सिविल वॉर चला आज की तारीख में भी सीरिया में काफी परेशानी है लेकिन तुर्की में ऐसा नहीं तुर्की में जो भी हुआ अर्थक्वेक की वजह से हुआ और काफी जाने चली गई कई बिल्डिंग्स गिर गई तो वहां पर इर्दगान के लिए एक उसके खिलाफ एक रोष भी है कि आपने कैसे बिल्डिंग के परमिट दे दिए वो बिल्डिंग जब जब आपको पता था कि यहां पे अर्थ प्वेक का डेंजर है तो आपकी सरकार ने किस तरीके से बोल दिया कि ये बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है और ये नहीं गिरेगी और समथिंग लाइक दैट जो भी उसका अप्रूवल देते होंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर कोई भी ऐसे अप्रूवल देते होंगे तो उसमें लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने शॉर्टकट करा है तो जब सरकार ने शॉर्टकट कराया तो, करा तो जाहिर सी बात है कि देन पीपल विल गेट वेरी अपसेट दिल एंग्री और ये गुस्सा अब तुर्की की सड़क पर आ रहा है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर राइट लोग सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अर्दोगान ने बोला है कि जो ऐसी बकवास कर रहा है मैं उसको अरेस्ट करवा दूंगा तो कुछ लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पीपल आर वेरी वेरी अनहैप्पी और अर्दोगान ने बोला भी है यार हुआ हमसे भूल चुक हो गई तीन चार दिन पहले ही बोल दिया था कि हमसे भूल चुक हो गई है जिस तरीके से हमने इसको मैनेज करा है और मुझे लगता है कि इतनी टर्किश गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है एक्चुअली क्या होता है ना कि जब इस मामले पर चीजें होती हैं दोस्तों जब इस स्केल पर चीजें होती हैं क्या आप समझ लीजिए कि भगवान ही आपसे गुस्सा होगा तो इंसान क्या ही कर लेगा यार इंसान क्या ही कर लेगा आप क्यों नो ठीक है ब, बिल्डिंग का जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करा नहीं करा वो आई डोंट नो द रियल स्टोरी तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन अब हो गया जब ना ऐसा तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड भी कि जो फंसे हुए मलबे में उनको निकालो जिनको चोट लगी है उनको आ, उनको ठीक करो और जो खत्म हो गए हैं तो उनके परिवारों के साथ बातचीत करके उनका बेरियल करना है ये जो भी उनकी लास्ट राइट्स हैं जो उसकी रसूमांत हैं वो करके खत्म करा जाए मामला और किस तरीके से टर्की अपने आप को रिबिल्ट करे मैं सिर्फ तुर्की के लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ ये हर जगह हम देखते हैं ना फ़ोटो तिरंगा लगा है और वहाँ पे ट्राई कलर है और ऑपरेशन दोस्त उसके नीचे लिखा हुआ है काफ़ी जगह ऐसा है आ, ये दुनिया ने भी एहसास करा चाहे वो कोविड के समय की बात हो चाहे यूक्रेन से जब हमारे स्टूडेंट्स को निकलना हो तब की बात हो तो मैं तुर्की के लोगों से भी यही कहूँगा कि ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं ना सिर्फ ये भारत का ध्वज नहीं है भारत का झंडा नहीं है ये ठीक है ना ये वादा है वादा है कि हम आपकी मदद करेंगे दिस इज दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यह आपकी सुरक्षा का वादा है आप उसको वैसा समझिए और जब भी बहुत मुसीबत आए बहुत आपको ऐसा लगे कि अब सब कुछ गड़बड़ हो गया uh, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं मैं इमोशनल होकर नहीं कह रहा मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं दिल की बात बता रहा हूं जब भी आपको लगे कि सब uh, खत्म हो गया और अब मेरे सारे आगे के रास्ते बंद हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ क्विक आपको कुछ भी पर्सनल नुकसान पहुंचा होगा परिवार को लेके या प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी चीज को लेके आप जाइए वहां पे इंडियन आर्मी है, ठीक है? और आप तिरंगे के के लिए ही तो है पास जाइए तिरंगे के नीचे खड़े हो जाइए और मैं आपको बोल रहा हूं मैं आपको इमोशनल बात नहीं प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं आप तिरंगे के नीचे खड़े हो जाएंगे ना सब ठीक हो जाएगा आपको एक ताकत मिलेगी Uh, जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता लेकिन हुँ. आपको ताकत मिलेगी सिचुएशन के साथ डील करने की सकता आपको लेकिन मैं तुर्की in के भाई बहनों से बोलूंगा जस्ट जस्ट गो एंड स्टैंड अंडर कलर इट विल गिव यू स्ट्रेंथ इन योर डार्केस्ट आवर्स इट विल गिव यू लाइट जब आपको लगता है ना कि सब खत्म हो गया तिरंगा आपको रोशनी देगा मेरी बात मानिए आप दोस्तों इमरान अली खान ने आजीब प्रभु <laughs> आपके चरण का है पहले मैं इमरान खान से यह पूछना चाहता हूं कि आपके चरण का है भाई साहब आई आई वॉन्ट टू आस्क इमरान खान न्याजी भाईजान आपके चरण का है पहले तो मैं पैर छूना चाहता हूं इमरान खान के ये इंसान ये पुरुष नहीं ये महापुरुष है ये, ये बहुत हाई लेवल का पुरुष वो नहीं। मीम है नहीं। है ठीक इमरान खान पुरुष है। ने आज इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को इतने महीनों से अमेरिका को गाली दे रहा है इतने महीने से अमेरिका पे थुथु कर रहा है इतने महीने से कह रहा है कि ये साइफर है ये देखो ये कागज है ऐसा हो गया ऐसे कागज सॉरी ये टिश्यू पेपर है लेकिन वही है इमरान खान ने भी टिश्यू पेपर ही लाया था मुझे लगता है ये साइफर है ये ऐसा है ये ऐसा है इसमें अमेरिका की साजिश है और इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी है और hmm. अमेरिका नहीं चाहता कि मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं पाकिस्तान का क्योंकि मैंने एपसोल्यूटली नॉट बोल दिया क्योंकि <laughs> मैंने उनको ड्रोन के बेसिस नहीं दिए क्योंकि मैंने पाकिस्तान को नहीं बेचा क्योंकि 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 पच्चीस बार उसने क्योंकि बोल दिया अच्छा जो इमरान खान के सपोर्टर हैं दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली इवन इमरान खान इमरान खान इज कनिंग

कि तुम्हें हम तभी बचाएंगे जब तुम इमरान खान को हटा दोगे ये सब कुछ करा इमरान खान ने बोला इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर इंपोर्टेड हुकूमत कौन शहबाज शरीफ कहां से से इंपोर्ट हुई अमेरिका यानी कि शहबाज शरीफ को अमेरिका ने आशीर्वाद दिया अब जब से जनरल बाजवा रिटायर हुआ है तो इसको एक और टारगेट मिल गया इमरान खान को यानी कि जनरल बाजवा।, बाजवा अब जनरल बाजवा इमरान खान के कपड़े उतारता और इमरान खान जनरल बाजवा के कपड़े उतारता है जनरल बाजवा डायरेक्टली भी बोलते हैं जनरल बाजवा चुपचाप जावेद चौधरी करके एक बड़े फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इज़ अ वेरी सॉर्टेड मैन मतलब मेंटली जो है बड़ा बैलेंस करके जो भी लोग कहते हैं कि हुकूमत के बड़े क्लोज हैं जिसके भी क्लोज हैं वो अलग बात है लेकिन हिज आई लाइक हिज स्टाइल ऑफ यू नो कॉमेंट्री जिस तरीके से वो बयान करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है जावेद चौधरी का बड़ा मेजर्ड बड़ा जिसको कहते हैं ना पॉलिश और बड़े अच्छी तरीके से बात समझाते हैं कोई चीख से लाट नहीं कुछ नहीं बड़ा नॉर्मली तो ये जावेद चौधरी साहब को ये बाजवा साहब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ठीक hmm. है अब मैं आपको बताता हूं इमरान खान का लेटेस्ट धमाका क्या है इमरान खान का लेटेस्ट धमाका ये है वॉइस ऑफ अमेरिका में वो जो लेडी इंटरव्यूअर है वो पूछ रही है इमरान खान से क्या खान साहब क्या हो गया तो कह रहे नहीं नहीं देखो ऐसा है कि अमेरिका की तो बात ही कुछ नहीं है अमेरिका ने तो कुछ करा ही नहीं और पाकिस्तानी यह चाहते हैं कि अमेरिका से हमारी अच्छी दोस्ती हो क्या बात है पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के फायदे में तो यही है कि अमेरिका से अच्छी दोस्ती हो और मुल्क जो है वो इमोशनल होके ज्यादा दुश्मनी से या अपने कोई ईगो में पॉलिसीज नहीं बनाते अच्छा है ना ईगो में पॉलिसीज नहीं बनाते जो मुल्क हैं वो अपने मफाद देखते हैं तो पाकिस्तान में ना पाकिस्तान तक बनाता है ये पता नहीं किसने चूरन खिला दिया कि मुल्क अपने मफाद मफाद तो देखेंगे ही मुल्क अपने फायदे तो देखेंगे ही लेकिन फायदे के अलावा और भी दस चीजें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क कर रहा है कोई भी अब भारत तुर्की में इतनी मदद कर रहा है भारत का क्या फायदा है आप इसको कह सकते हैं। ये। भारत मदद कर रहा है भारत ने जो इतने लोगों को कोविड वैक्सीन सौ देशों में कोविड वैक्सीन पहुंचाई क्या मिल गया भारत को खजाना मिल गया कोई भारत को, को खजाना मिल गया या किसी ने हीरो का हार पहना दिया मोदी जी को तो ऐसी बात नहीं कि मुल्क सिर्फ अपने मफाद मफाद में काम करते हैं फायदे में काम करते हैं लेकिन कई कारण होते हैं जिसकी वजह से मुल्क कुछ काम करते हैं नेशनल इंटरेस्ट इज इज वन पार्ट पार्ट ऑफ इट इट बट नॉट ओनली है ना तो इमरान खान पेरे ने पेरे यू टर्न का बाप ले लिया और इमरान खान ने बोला कि पाकिस्तानी लोग अमेरिका से प्यार करते हैं कख नहीं प्यार करते हैं मैं बता रहा हूं आपसे ठीक अच्छा। है ये कख नहीं प्यार करते ये कुछ नहीं करते पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म सबसे ज्यादा है ये नफरत करते हैं अमेरिका से ये नफरत करते हैं अमेरिका से से इंडिया अमरीका ठीक है और उस नफरत का बहुत बड़ा जिम्मेदार इमरान खान भी है क्योंकि इमरान खान ने बोला हमने पैसे लेके ड्रोन मारे ये करे वो करे इसने भी नैरेटिव बढ़ाया <laughs> अब इसको लग रहा है यार कि अगर मैं पावर में आ गया तो मुझे तो अमेरिका की जरूरत है क्योंकि सब लोग कहते हैं खान साहब जैसे चुनाव होंगे आप जीत जाएंगे इंतबाबाद होंगे तो खान साहब जी और मैं भी कह रहा हूं मेजर गौरावारी अभी यही बात कह रहा है कि जब इलेक्शन होंगे इमरान खान जीतेगा और इमरान खान मेजोरिटी से जीतेगा यह बात तय है इसमें कोई शक शुभा नहीं है इलेक्शन कब होंगे मैं कह नहीं सकता लेकिन अभी तो नहीं हो रहे अभी तो नहीं हो रही है दे ये करंट हुकूमत शहबाज शरीफ की डिले करने की कोशिश करेगी जितना डिले कर सकते हैं जितना कॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग डिले कर सकते हैं करेंगे और जब कॉन्स्टिट्यूशनली डिले नहीं होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली भी डिले करेंगे तीन पांच करके लेकिन इमरान खान को यार मैं मैं बाकी देखो मैं फॉरेन पॉलिसी की बात जियो की बात नहीं कर रहा ठीक है मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यार खान साहब एक बंदे की जबान होती है है ना अगर मैं एज मेजर गौरव आ मेरी 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 तो औकात ही क्या है hmm. <laughs> लेकिन अगर मैं किसी अपने जान पहचान वाले को किसी दोस्त को ये बोलूंगा ना कि मैं ये काम करने वाला हूं मैं नहीं करूंगा वो मुझसे कुछ नहीं कहेगा विल नॉट से एनी थिंग तुम्हें हो सकता है शर्मा शर्मी में मुझसे कुछ ना बोले लेकिन उसके मन में यार वही कहेगा यार मेजर यार तुम्हारी जबान की क्या वैल्यू है तुमने एक जबान दी थी आप तो रोज वादा खिलाफी करते हैं खान साहब एवरी सिंगल डे इमरान खान टेक्स अन कुछ शाम को मुझे ले ले नहीं पता कल ये ये जाके बोले कि जनरल बाजवा मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये कुछ भी बोल सकता है। और खान के जो हैं, जो अपने बावले की तरह अच्छा खान ने बोल दिया दोस्त है, दोस्त, है, दोस्त, है। दोस्त है आपने देखा इंडिया में आपने देखाबो याद होगा ना आपको मिस्टर इंडिया फिल्म थी अनिल कपूर की उसमें मोगेम्बो वो कहता है वो उसमें एसिड होती है तेजाब होता है तो कहता, कि कुण तो कहता है कूदो इसमें तो कहता अपनी जान देता दे है।, है, है, इस है इससे कोई सवाल जवाब करता नहीं तहरीक इंसाफ के अंदर इसकी बिल्कुल चलती है हंड्रेड चलती है इमरान खान की इमरान खान जो बोले मैं बता रहा हूं आपको इमरान खान जो बोले झूठ बोले सच बोले बिकॉज उसने क्या है कि उसके फॉलोअर्स नहीं है कि अमरीका ने साजिश करी नहीं दोस्तों पॉलिटिक्स तो इंडिया में भी होती है और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पॉलिटिक्स इंडिया में होती है यार पाकिस्तान से सौ गुना ज्यादा पॉलिटिक्स होती है लेकिन मैंने यहां पे लोग जेल चले गए ठीक है उनके ऊपर केसेस हुए कोर्ट ने उनको जेल में डाला कई सारी ऐसी चीजें हुई लेकिन मैंने कभी यार इमरान खान जैसा बंदा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नहीं देखा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या बात है नॉर्थ कोरिया में ऐसा जो बंदा मतलब कोई ऐसा इंसान इंडिया में यार देखो क्या भारत में वादा खिलाफी नहीं होती बिल्कुल होती, होती है।, है।, है भारत में करप्शन नहीं है बिल्कुल है।, है क्या भारत में वो सब बुराइयां नहीं है भारत के लोगों में जो और जगह हैं होती है इंसान है बिल्कुल यहां पे चोरी भी होगा यहाँ पे गलत काम भी होंगे यहां पे सब कुछ होगा वही नहीं अमेरिका नहीं। में भी होगा वही चाइना और रूस में पाकिस्तान में हर जगह होगा लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं हाथ जोड़ के आज दोस्तों मैंने इमरान खान जैसा बंदा देखा ही नहीं जो जो बारह घंटे अपनी जबान पर ना टिके आई अ पर्सन लाइक दिस हाउ कैन यू ट्रस्ट लेकिन फिर वही बात है हेल मोगेम्बो अंदर जाओ। अभी <laughs> चल रहा है पाकिस्तान में तो चल रहा है दे आर हैप्पी विथ हेल मोगेम्बो अच्छा दोस्तों एक और चीज है कि यह खबर आई है गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स रेवेन्यू मेजर्स फ्रॉम फेबर फिफ्टी टू सिक्योर वन पॉइंट टू बिलियन एम एफ ट्रांच अर्लीसान पैकेज है और पार सब्सिडी है इसको खत्म कर दिया है और वन परसेंट हाई कैन जीएसटी टू यील्ड एडिशनल सेवेंटी बिलियन रुपीज इन फोर एंड हाफ मंथ्स बेसिकली क्या है कि मैं आपको बताता हूं उसकी छोटी सी चाबी क्या है ठीक है चाबी दोस्तों सिर्फ यह है कि जो आईएमएफ है आई ने और यह बात शहबाज शरीफ ने भी बोली है मैं वो वीडियो नहीं डालना चाहता आई विल नॉट पुट दैट वीडियो आप लोग जाके यूट्यूब में खुद देखो ठीक <laughs> है शहबाज शरीफ ने बोला है कि आई ने पाकिस्तान को यह बोला है कि यू पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी तुम पर भरोसा नहीं करा जा सकता खुद ही बोल रहे तुम लोग वादा करते हो मुकर जाते हो तुम लोग झूठ बोल देते हो मुंह पर ठीक है इनमें मैं बता रहा हूं गैरत और इखलाक है ही नहीं आईएमएफ ने पाकिस्तान को बोला है ये शहबाज शरीफ के वर्ड्स हैं आप जाके देख लीजिए शहबाज शरीफ खुद एडमिट करता है कि कह रहे हैं यार आप लोग वादा करते हो वादा खिलाफी कर देते हो आईएमएफ से बोलते हो, हाँ, पैसा दे दो हमें काम कर देंगे फिर करते, फिर करते नहीं, सबसे पैसा ले, ले लेते हैं आपसे पैसा ले लिया बोला साहब आप कौन है तो दोस्तों इस तरीके से बात हो गई कि कहां तक शहबाज शरीफ मेरे पास आया और बोला मेजर साहब जरा सौ रुपए देना मैंने शहबाज शरीफ को सौ रुपये दे दिए क्या बात है शबाज शरीफ ने बोला थैंक यू मेजर साहब मैं एक दिन में आपको लौटा दूंगा कल आ रहा हूँ मैं आपके पास एक दिन हो गया एक हफ्ता हो गया दो हफ्ते तीन हफ्ते एक महीना हो गया शहबाज शरीफ टकराया रास्ते में मैंने बोला क्यों शहबाज भाई आप तो सौ रुपये देने वाले थे एक दिन में एक महीना हो गया चश्मा ऐसे लिया भाई साहब आप कौन है <laughs> आप कौन है मतलब मैं मेजर गौरव वाली आपने मुझसे पैसे लिए थे मुझे याद तो नहीं है यार मुझे ऐसा याद तो नहीं पड़ता कि मैंने आपसे पैसे लिए लिया चलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूं मैं बाद में बात करूं यह कामने और 22 बार कराए 22 22 बाईस करा बार इन्होंने आई एम एफ को झूठ बोला और चूना लगाया इन्होंने चीनियों को धोखा दिया उनके ये 24 अरब डॉलर खा गए सीपैक के सीपेक हाँ। इन्होंने सऊदी अरब को नहीं छोड़ा इन्होंने यूएई को नहीं छोड़ा मैं बार बार क्या कहता हूं कि यार डायन भी ना तीन घर छोड़ती है पाकिस्तान तो डायन से हो रहा है उसने किसी को नहीं छोड़ा वो ठगू के लड्डू है ना कानपुर पे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं थागा और दैट इज फॉर पाकिस्तान शहबाज शरीफ क्या बोल रहे यही तो बोल रहा है कह रहा है कि हम पे विश्वास नहीं करते हम पे भरोसा नहीं करते कह रहे तुम लोग झूठ बोलते हो यार वादा खिलाफ ही करते हो अब अब आई ने बोला है कि भाई सबसे पहले तुम पूरा काम करोगे

इनकी सियासत बंद नहीं हो रही इमरान खान फिर कह रहा है ये चोर है ये है मैं बाजवा को देख लूंगा। उसी में लगे रहते हैं आप समझ रहे हैं मेरी बात इनके पास पैसे नहीं है गाड़ी में तेल डलाने के लिए आम आदमी मर रहा है लेकिन पाकिस्तान नेवी ऑपरेशन अमन नाम की एक एक्सरसाइज करवाना चाह रही है कहां पे जिसमें सौ से ऊपर देशों को इनवाइट करा है ठीक है गए सिर्फ सात आठ

आप लोग लो डर बड़ी गए बड़ी है उनकी। हिंदुस्तान कांप रहा है इंडिया <laughs> कांप रहा है मैली आंख से ना देखो ये ऐसी बातें करेंगे सो दे डिजर्व इट इनके साथ जो हो रहा है ये खुदी, ये ये खुद खुद ही ही किसी किसी ने साजिश नहीं करी ये खुदी इनकी बेवकूफी है और अपनी लालच की वजह से अपने मिसमैनेजमेंट <laughs> की वजह से दे आर सफरिंग और जब तक इनके दिमाग से ठीक है ये गजवाए हिंद या हलवाए हिंद या जो भी बोलते हैं सब ये ड्रामा ये झूठ कुछ नहीं ये फरेब जब तक इनके ना गुर्दे कलेजी से नहीं निकलेगा तब तक ये लोग नहीं मानेंगे ठीक है ये कश्मीर का भूत तो ये स्टोरी चलती रहेगी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो सबसे पहले तो जो ऑपरेशन दोस्त चल रहा है यार टर्की में उसके बारे में बात करेंगे वो वहाँ पे जो भूकंप आया है उसकी मदद के लिए हमारी इंडियन आर्मी की टीम वहाँ पे है और लोगों की मदद कर रही है जिनको डॉक्टर्स की जरूरत है उसको हमारी आर्मी की टीम है जो मदद कर रही है और जो लोग बिल्डिंग्स के आ, नीचे डब गए हैं या उसको रेस्क्यू करना है उस पर भी हमारी इंडियन आर्मी काम कर रही है तो ऐसे ही कामों की वजह से हमें प्राउड होता है हमारी आर्मी के ऊपर की वो ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो हमेशा पहल करते हैं और कई किसी भी देश में अगर ऐसी आपदा आती है तो हमारी इंडियन आर्मी हमेशा तैयार रहती है वहाँ जाके लोगों की मदद करने के लिए और ये कोई हमारे फ़ायदे के लिए नहीं करती हमारी आर्मी या हमारे जो लीडर्स है ऐसे समय में डिप्लोमेसी या ऐसे कुछ फ़ायदा सोच के नहीं मदद करती लेकिन ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और हमें इस हमारी आर्मी पे प्राउड होना चाहिए और जहाँ तक बात रही है पाकिस्तान की तो इस उनके हालत कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है फिर भी वहाँ पे पॉलिटिक्स तो चलती ही रहती है और इमरान खान की तो क्या ही बात करे वो बंदा तो सुबह कुछ बोल रहा है और शाम को पलट जाता है और अगर शाम को कुछ बोल रहा है सुबह में कुछ और बोलता है तो उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं लेकिन उनके जो फॉलोअर्स है वो तो उनको इमरान खान जो बोले वो करने के लिए तैयार है अगर किसी को मारने को भी बोले तो शायद वो भी कर दे क्योंकि इतनी ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं कि इमरान खान एक बार बोल ले तो सब उनके पीछे लग जाते हैं जैसे आ, मेजर साहब ने वो मोकम्ब वाला एग्जाम्पल दिया तो वैसे ही है और आई से लोन तो पाकिस्तान बाईस बार ले चुका है लेकिन उससे जो फ़ायदा होना चाहिए था वहाँ के लोगों को और इकोनॉमी की जो इकोनॉमी में जो सुधार आया था वो बाईस बार आई के प्रोग्राम में जाने के बाद भी कुछ हुआ नहीं और ये तेईसवीं बार पैसे लेने के लिए यहाँ वहाँ डौटते रहते हैं लेकिन आई ने इस बार बोल दिया कि भाई आपने बाईस बार हमसे झूठ है अब हम जो शर्ट रखते हैं वो आप पूरी करते नहीं है और पैसे ले, ले लेते हो ये पैसे जनता की भलाई के लिए तो लेते नहीं ये करप्शन में ही कितने सारे पैसे तो चले जाते होंगे तो इस बार आई ने बोल दिया कि भाई तुम पहले जो हमने शर्त रखी है जो प्रोग्राम का हमारी शर्तें हैं वो पहले पूरी करो और फिर बाद में हम सोचेंगे कि आपको पैसे दे या नहीं दे तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए